हेलो हेलो हेलो, माइक बेकार है। हेलो हेलो बताना, एक बार आवाज आ रही है क्या? एक बार चेक करके बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। एक बार चेक करके बताओ आवाज आ रही है कि नहीं। चलो तो हाँ, फिर से बोलना पड़ेगी सारी चीज, ठीक है। तो स्वागत है आप सभी का एग्जामपुर के टीचिंग स्कूल पे। माई सेल्फ भवानी सिंह जादव द फैकल्टी ऑफ बायोलॉजी एंड ईवीएस, एंड आई हियर बाय वेलकम ऑल ऑफ यू इन एग्जामपुर टीचिंग स्कूल, ठीक है। तो एडवांस में होली की शुभकामनाएं, अच्छे से होली खेलिएगा, ठीक है। पानी नहीं बर्बाद करना, नेचुरल कलर्स यूज करना, ठीक है। और अगर किसी ने खेली पानी से होली तो मैंने उसे खिलाई क्या गोली, ठीक है, चटका दूंगा एक को। पानी नहीं बर्बाद करना, वैसे ही बहुत कम है, ठीक है। तो एक बार जरा बता दिए आवाज वगैरह क्लियर है कि नहीं, ताकि हम अपने सेशन को आगे बढ़ाएं, सेशन सेशन को आगे बढ़ाएं। सर बहुत डर लग रहा है, कौन से डर लग रहा है? होलिया में खेले रंग लाल, अबे होलिया में उड़े रे गुलाल, कई और मंगेतर से, इसमें कमेंट दिखा दूंगा। सर जी कब आए हो आप? अभी आया, अभी आया। सर आपने 2 दिन से तो पागल बनाया। नहीं बेटा, पागल नहीं बनाया, परसों तो ये हुआ था कि योगेंद्र सर और मेरी क्लास क्लैश हो गई थी। मैंने 6 बजे का इवेंट रखा था, कॉज मेरे को 2 घंटे ऐप पे क्लास लेनी थी, तो योगेंद्र सर और मेरी क्लास क्लैश हो गई थी, इसलिए परसों क्लास नहीं हुई। कल मैंने 6 बजे क्लास ली थी, अगली बार से 5 बजे ही क्लास हुआ करेगी। मेरे को समझ में आ गया कि तुम 5 बजे वाले ही हो। सर आपने होली खेले? होली खेली नहीं बेटा, खिला दी गई है। तो देखिए, लास्ट कल कल हमने जो क्वेश्चन किया था वो किया था आपका, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब बनाया जाता है? आप सबको बताया वर्ल्ड फॉरेस्ट डे आपका 21 मार्च को बनाया जाता है, ठीक है। इसी चीज को आज की मैराथन होली के हुड़दंग को आगे बढ़ाते हुए, फर्स्ट ऑफ ऑल विशिंग यू एंड योर फैमिली ए वेरी हैप्पी एंड प्रॉस्परस होली, ठीक है। आपकी पूरे परिवार को, एग्जामपुर के परिवार और एग्जामपुर स्कूल टीचिंग की तरफ से होली की शुभकामनाएं, ठीक है। कलर मत यूज करिएगा, हार्मफुल होते हैं, पॉल्यूशन कॉज करते हैं, ठीक है। और अगर पता लग गया कि तुमने खेली है कलर वाली होली, कसम से पर्यावरण का टीचर हूं, निपटाते टाइम सोचूंगा नहीं, ठीक है। तो बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि इनमें से, आपके सामने जो उदाहरण दिए गए हैं, इनमें से कौन सा कीटभक्षी पौधा है? डायोनिया, क्या वो डायन है? ब्लैडरवर्ट, क्या वो ब्लैडर है? ड्रोसेरा, क्या वो दूल्हे का सेहरा है जो सुहाना लगता है? क्या वो सभी है? डी बताएं। सर हम कलर से नहीं खेलते तो काय से खेलते हो? खून की होली? हाँ गुलाल से बिल्कुल खेलो, प्राकृतिक नेचुरल लाओ। कलर से नहीं खोली ना मैंने। फाइव हंड्रेड वन का सी कलर, अरे कलर लो, नेचुरल कलर यूज करो, पानी मत यूज करना, ना पानी वाले कलर यूज करना ना पानी यूज करना। योगा कलर से भी नहीं यूज करे, ये भी नहीं यूज करे तो क्या यूज करे? खोल दो किसी का चेहरा, फोड़ दो नाक, खिल जाएगी होली। चोली रंगाई 2 रुपया, का गा रहे हो बे? ब्रज की तुम गाना गा रहे हो?
चलो 500 आज ऐप पर क्लास नहीं हुई है क्या साधना यादव? उसी से रिलेटेड 6:30 बजे ऐप पर इंफॉर्मेशन आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है? उसी से रिलेटेड आपकी 6:30 बजे मैं ऐप पर वापस आऊंगा, इंफॉर्मेशन आएगी। देखियो आपसे पूछा गया है कि इनमें से कीट बक्षी पौधा कौन सा है, डायोनिया है, ब्लैडरवर्ट है, ड्रोसेरा या ऑल है। देखो डायोनिया का ही दूसरा नाम होता है क्या, वीनस फ्लाई ट्रैप। जो आपने मारियो खेला होगा तो मारियो में देखा होगा क्या, वो दांत वाला जो फूल बाहर निकलता है जिसमें मारियो मर जाता है जाते ही, ठीक है, वो है डायोनिया। ब्लैडर वर्ट ये आपका, इसको दूसरा नाम उट्रिकुलेरिया है, ये भी आपका जलीय कीट बक्षी पौधा है। ड्रोसेरा संड्यू को बुलाते हैं और ये तीनों ही आपके क्या है, कीट बक्षी पौधे हैं। तो आंसर नंबर 501 का हुआ क्या डी, 501 का आंसर क्या है डी, ठीक है। तो केवल ड्रोसेरा नहीं है, ठीक है, केवल डायोनिया नहीं है, केवल आपका ब्लैडर वर्ट नहीं है, ये तीनों ही आपके क्या है, कीट बक्षी पौधे है। तो आंसर हो जाएगा इसका क्या डी। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। सर योगेश सर से बात की हो आप? हाँ, मैं और सनी सर स्पेशली योगेश सर को बिठाल के समझाया है कि जी क्या कर रहे हो, तो आप थोड़ा योगेश सर तुम्हारी सीरियस से क्लास लेंगे, क्लियर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज नॉट एन एनर्जी सोर्स, इनमें से कौन सा आपका ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ठीक है, इनमें से आपका कौन सा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। कार्बोहाइड्रेट शकरा, मिनरल्स खनिज, एल्कोहल शराब, जिसने पीप शराब, ठीक है, उसके वो एक खराब लिवर खराब, फैट्स वसा। तो कौन सा इनमें से आपका स्रोत नहीं है ऊर्जा का? सर कान के पास रेड क्यों है? अरे बेटा क्या बताएं, पकड़ के हमको रसीद दिया यहाँ पे ऑफिस में घुसते ही, वो तो बड़ी मुश्किल से बचे, वरना अभी काला भूत बन के आए होते तुम्हारे सामने। चलिए वेरी गुड। देखो कार्बोहाइड्रेट आपको इंस्टेंट एनर्जी देता है, तुरंत ऊर्जा, ये तो आपका तुरंत ऊर्जा का स्रोत है, इंस्टेंट एनर्जी। तुरंत ऊर्जा आपको देता है। मिनरल्स खनिज ये आपकी उपापचयी क्रियाएं में मदद करते हैं। वसा ये रिचेस्ट एनर्जी है, सबसे धनी ऊर्जा, और ये स्टोर्ड एनर्जी भी है, एकत्रित ऊर्जा, ये आपकी स्टोर्ड एनर्जी भी है, एकत्रित ऊर्जा भी, ठीक है। बट अल्कोहल इससे भी आपको मिलती है क्या ऊर्जा, ठीक है, जब अल्कोहल पीते हैं, बहुत सारे लोग क्या अल्कोहल पीते हैं तो उनके अंदर अलग से पावर आया गिरा दूंगा, तो अल्कोहल से भी आपकी एनर्जी मिलती है बेटा, मिनरल से कोई एनर्जी नहीं मिलती। मिनरल केवल आपकी किसमें काम करते, ये आपके उपापचयी क्रिया में काम करते हैं, आपकी बॉडी की रासायनिक क्रिया में काम करते हैं। बट अल्कोहल से, जो लोग बोल रहे हैं अल्कोहल से एनर्जी नहीं मिलती, भाई गलत बोल रहे हो, अल्कोहल से भी एनर्जी मिलती है, दारू पीने से भी एनर्जी मिलती है। डेट डजंट मीन कि कहना कल को अभी जाके सब खड़े हो जाओ, अगर पापा पापा पापा, ठीक है, सर ने बताया दारू पीने से भी एनर्जी आती है और सब लगे, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। ठीक है, तुम समझते थोड़ी लड़ बैठता है, ऐसी थोड़ी वो जो शराबी होता है किसी से भी लड़ बैठता है, एनर्जी है, ठीक है, पी रखी है, एनर्जी आ गई है, प्लस एक्स्ट्रा एनर्जी आती है, आजा साले यहीं पटकूंगा, एक को चुन चुन के मारूंगा, ठीक है। तो ये पीने पीने वाले ने भी सी लगा दिया, क्या बात है। अरे बेटा संदीप प्रजापति नहीं मिलती अल्कोहल से, संदीप प्रजापति 1 ग्राम अल्कोहल आपका, ठीक है, 5.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है।
ठीक है, 1 ग्राम फैट आपका 5.3 किलो कैलोरी एनर्जी देता है। अरे डोरी डोरी पीते पीते और जीते ऊर्जा के साथ जीते। अरे डोरी ठीक है, तो याद रखना गलत हो गया मर गए, कोई बात नहीं, यहां थोड़ी मरे हो। क्लियर है, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड विद सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत विकास। कल मैंने सतत विकास के ऊपर क्वेश्चन कराया था, तो आपसे पूछा जा रहा है इनमें से कौन सी चीज सतत विकास से रिलेटेड नहीं है। एजेंडा 21, अर्थ समिट, ठीक है, पृथ्वी शिखर, ब्रेटलैंड रिपोर्ट, ठीक है, और किगाली संशोधन। गुरुजी नशे में है क्या? अरे अरे टाइम वेस्ट बेटा, निकलो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम जैसे लोगों की यहाँ पढ़ाई नहीं होती, टाइम वेस्ट होता है, तो दूसरे चैनल पे जाओ। अपन को वहां देखो एक उंगला हो, ऐसे उंगली होगी डिसलाइक का, ठीक है, उसको दबाओ और चलते बने, ठीक है, कोई जरूरत नहीं है तुम जैसे लोगों की, ठीक है। तो 503, चलिए वेरी गुड, ठीक है, तो 503 का आंसर है डी, किगाली अमेंडमेंट। कल भी मैंने आपको बताया था किगाली अमेंडमेंट आपका, ठीक है, रिड्यूस हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स को कम करने के लिए बनाया था। और ये हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स आपकी क्या होती है, ग्रीन हाउस गैस होती है, हरित गृह प्रवाह गैस होती है, ठीक है। जबकि एजेंडा 21 ये भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन में ही एजेंडा 21 की बात हुई जो कि आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिपोर्टेड रिलेटेड है। और WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंटल डेवलपमेंट, WCED वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट डेवलपमेंट, इसका नाम बाद में ब्रेटलैंड कमीशन कर दिया गया, और ब्रेटलैंड कमीशन ने एक रिपोर्ट तैयार करी जो कि आपकी सस्टेनेबल डेवलपमेंट सतत विकास से रिलेटेड है। तो ये सारी की सारी आपकी सतत विकास से रिलेटेड है। किगाली अमेंडमेंट आपका हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने से रिलेटेड है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करना, ये अपन ने कल ही किए थे, ठीक है, तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को कम करने से रिलेटेड है, ठीक है, क्लियर। क्लियर है, सर होली में लड़के ड्रिंक क्यों करते हैं, एंजॉय, और कोई पर्पस नहीं है, एंजॉय। क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे का क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है विच विटामिन इज ऑल्सो नोन एज विटामिन एच, कौन से विटामिन को हम विटामिन एच के नाम से जानते हैं, बताएं। बताए बताए, सर ये 8 साइड वालों के लिए, हृदय सिंह मौर्य सबके लिए, एनवायरमेंट इज कॉमन फॉर ऑल। जहां से बायोलॉजी के क्वेश्चन आएंगे वो आपके लिए नहीं होंगे, कॉज आप बायोलॉजी के नहीं करेंगे, ठीक है, 8 साइड वाले। H5CCCC, देखो इसलिए ना ऑप्शंस देना बुरे होते, मैंने आपको बताया था एक ट्रिक बताई थी, ट्रेन पे पैसेंजर बेफालतू चढ़े, ठीक है, और मैंने बोला था इनके नीचे लिख दो नाम, B1 B2 B3 B5 B6 B7 B9 B12, ठीक है। अब देखो B1 का नाम कैसे, थियामिन, ये लो टी से हो गया इसका नाम, ठीक है, और B5 है, B5 का नाम का ऐसे PA, पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। B6 का नाम है P, किससे, अगेन P से, तो पायरेडॉक्सिन,
पायरीडॉक्सिन, ठीक है, ये तो इनके नाम हो गए, ठीक है। फिर मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि इस B7 को, ठीक है, इस B7 को जिसका नाम क्या है, बायोटिन, ठीक है, इसको विटामिन एच भी बोला जाता है बिकॉज ये आपके हेयर फॉल से रिस्पॉन्सिबल होता है। तो देखो पहली चीज, तो एक चीज याद रखो, देखो 50 से 100 बाल रोज सभी के गिरने, उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे तुम नहीं रोक सकते, उसे मैं नहीं रोक सकता। 50 से 100, 150, 200 इवन, ठीक है, वो सबके गिरने, वो मेल में भी गिरने, फीमेल में भी गिरने, वो कोई नहीं रोक सकता, किसी का बाप नहीं रोक सकता, कोई तेल नहीं रोक सकता, कोई चूरन नहीं रोक सकती, कोई चटनी नहीं रोक सकती, ठीक है, कोई बाबा का आशीर्वाद नहीं रोक सकता, कोई अंगूठी नहीं रोक सकती उसे, वो सबके गिरने हैं, वो नेचुरल है, ठीक है, उसका कुछ नहीं कर सकते। नाउ इफ यू हैव लेस अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन, सॉरी, लेस अमाउंट ऑफ विटामिन B7 इन योर ब्लड, तो भी आपका हेयर फॉल होगा। बट हेयर फॉल होने का रीजन केवल यही नहीं होता, एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल इन हेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ हेयर फॉल, ठीक है, तो एक्सेसिव यूज ऑफ ऑयल इन हेयर इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन ऑफ हेयर फॉल। तो देखो यहां आपका विटामिन B7 नहीं है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका क्या, नन ऑफ दीज, डी। इसलिए हमेशा बेटा ऑप्शन पे मत डिपेंड रहा करो, थोड़ा बहुत क्या चीजें दिमाग में भी रखनी चाहिए, तुम हर चीज के लिए ये रखते हो ऑप्शन। सर व्हाट इज योर क्वालिफिकेशन, 5वीं फेल हुआ भाई, मैं 5वीं क्लास में फेल हो गया था, फिर मैंने चाय का ठेला लगाया, फिर मुझे कुछ लोगों ने देख लिया, उन्होंने पूछा तुमको और कुछ आता है, हमने कहा हम पढ़ा बहुत बढ़िया लेते, तो हमको ले आया पकड़ के। रोज बाल गिरेगा तो हम टकले हो जाएंगे, शिल्पी रंजन एक चीज सुन लो भाई, तुमने कैसे बोल दिया कि तुम टकले हो जाओगे, चलो शिल्पी रंजन ने बोला कि रोज बाल गिरेगा तो वो टकले हो जाओगे। चलो देखो भाई, दो लोग होते हैं इस नेचर में, एक होता है एक्स वाई लल्लन और एक होता है एक्स एक्स चुनिया। अब जो टकले होने वाला जीन है वो इस वाई क्रोमोजोम पे, वो इनके पास तो है ही नहीं, चुनिया के पास तो है ही नहीं, इसलिए तुमने देखा होगा शिल्पी रंजन, तुम्हारा कोई दोस्त होगा जिसके पापा के बाल यहां से जा रहे होंगे तो उसके लड़के के जाएंगे, बट उसके लड़की के बाल नहीं जाएंगे। तो लड़की कभी भी टकली नहीं हो सकती, पहली चीज याद रखना, ठीक है, लड़की बायोलॉजिकली कभी भी टकली नहीं हो सकती, ठीक है, बायोलॉजिकली लड़की कभी भी टकली नहीं हो सकती, उसके हेयर की डेंसिटी कम हो सकती, बाल कम हो सकते, ठीक है। जैसे कि जब तुम स्कूल में थी तब तुमने देखा होगा कि एक टीचर आती थी, लेडी टीचर हिंदी विंदी की, जब वो सर के बाल ऐसे नीचे करती थी तो बाल थोड़े से कम होंगे बट टकली नहीं थी वो। बट एक फिजिक्स के टीचर आते थे जिनके यहां से उड़ गए, यहां रह गए थोड़े से, चार बाल यहां लटक रहे, उसको बोलते टकला, बिकॉज ये जो टकलेपन का फीचर है वाई क्रोमोसोम पे, एक्स पे नहीं, ठीक है। तो ये मत बोला करो लड़की टकली हो जाएगी, हाँ लड़की को टकला किया जा सकता है, किया जा सकता है, आपसी रंजिश चल रही हो, एक लड़की को दूसरी लड़की के बाल नहीं पसंद आ रहे हो, चुंगम चुपका के भाग गई, तो फिर टकली करना पड़ेगा उसे। ठीक है, या फिर आपका क्या बोलते हैं कीमोथेरेपी हुई हो तो लड़की टकली हो सकती है, ऐसे लड़की टकली नहीं हो सकती। अभी नहीं, अभी शुरू नहीं हुई है प्रीति बंसल, अभी थोड़ा सा सुपर टेट से फ्री होने दो मेरे को, उसके बाद चालू करूंगा टीजीटी की क्लास। ठीक है, क्लियर है, तो समझ में आया क्यों लड़की होना फायदेमंद होता है। ठीक है, हमारे पास टकलेपन का जीन है, तुम्हारे पास नहीं है, ठीक है, मेरे घर में नहीं है ये वाला जीन, अगर मेरी फैमिली में एक्सप्रेस होता तो मेरे भी यहां से बाल जा रहे होते, बट तुम्हें देखो ये पूरा घोंसला दिख रहा है ना, अच्छा खासा मेरा काफी बड़ा घोंसला आता है, अभी तो थोड़े छोटे हो गए, मैं तो चाहता हूं इनमें 3-4 चिड़िया विड़िया पाल लूं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर प्लांट। अब ये आपका यूपी टेट ने पूछा था, ऑप्शंस अलग थे, मैंने ऑप्शंस अलग कर दिए, यूपी टेट ने पूछा था, ठीक है, साइंस में पूछा था, यूपी टेट साइंस में, ठीक है। ये चाहे तो आठ वाले छोड़ सकते हैं ये वाला क्वेश्चन। सर 18 को एग्जाम होगा, सरिता कैंसिल भी हो सकता है बिकॉज आपका 19 को चुनाव है। नहीं बेटा, कैंसर में टकले नहीं हो जाते, कैंसर में कीमो अगर ले ली तो हो जाते। बताओ बताओ आंसर बताओ इसका। कि इनमें से पहला वेस्कुलर प्लांट कौन सा? अब देखो, हमको पता है वेस्कुलर प्लांट के ग्रुप में फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो है, फर्स्ट वेस्कुलर प्लांट जो है, पहले संवाहक पौधे जो है, पहले संवाहक पौधे, इनके समूह का नाम था क्या? टेरिडोफाइटा। सबसे पहले जो आपकी प्रकृति में पहले संवाहक जो पौधे आए, इनके समूह का नाम था क्या? टेरिडो फाइटा, ठीक है। तो देखो, कारा, कारा आपका एक एल्गी है, ये थैलोफाइटा है, ये शैवाल है, ग्रीन एल्गी है, ग्रीन एल्गी जिसको हम थैलोफाइटा बोलते हैं, ठीक है। ये आपने अगर कीचड़ के ऊपर, कभी कीचड़ के ऊपर काई लगती हुई देखी हो, वही है कारा, ठीक है। ब्लू ग्रीन एल्गी ये बैक्टीरिया है, जीवाणु है, तो जीवाणु में तो ये वेस्कुलर बंडल सा ही नहीं थे। वेस्कुलर का मतलब जिनके अंदर जाइलम और फ्लोएम पहली बार आए, जिनके अंदर जाइलम फ्लोएम पहली बार आए, दैट इज वेस्कुलर, ठीक है। तीसरा रिक्सिया, रिक्सिया आपका एक ब्रायोफाइट है, ठीक है, एक आपका ब्रायोफाइट है, ब्रायोफाइटा के ग्रुप का प्लांट है, ठीक है। फर्न आपका एक टेरिडोफाइट है। ये सारे एग्जाम्पल आपकी नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में दिए, सारे एग्जाम्पल नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? डी। क्लियर है सर? ये कीमो क्या होता है? एक थेरेपी होती है जो कैंसर पेशेंट्स को दी जाती है। ठीक है, तो 505 का आंसर इज डी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अगला क्वेश्चन, अर्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है? 21 मार्च को, 22 मार्च को, 21 अप्रैल को, 22 अप्रैल को। देखिए, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, ठीक है, एमपी टेट की तैयारी करो, रीट की तैयारी करो, सुपर टेट की तैयारी करो, कोई सा भी टेट की तैयारी करो, ठीक है, कोई से भी टेट एक्सेप्ट सीटेट, ठीक है, आपका एनवायरमेंट कैलेंडर से कोई ना कोई सवाल आता ही है, आपका एनवायरमेंट कैलेंडर से कोई ना कोई सवाल आता ही है। तो ऐसे ही आपसे पूछ दिया जाएगा, अर्थ डे पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, बताइए। तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 22 अप्रैल, ठीक है। इसमें दो डे और छुपे हुए हैं, ठीक है। 21 मार्च को आपका बनाया जाता है क्या? फॉरेस्ट डे, कल ही बताया था। और 22 मार्च को आपका बनाया जाता है क्या? जल दिवस, वाटर डे, ठीक है। तो 22 अप्रैल को आपका बनाया जाता है क्या? पृथ्वी दिवस, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन आपसे जो बोल रहा है, वो बोल रहा है एक पोषण स्तर है, एक ट्रॉफिक लेवल है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पर आपकी एनर्जी के ट्रांसफर की, एक ट्रॉफिक लेवल है, ये बताए कि हाईएस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको उपभोग में मिलेगी, ठीक है। मतलब सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिलेगी? ग्रास ऑपर, टिड्डे को मिलेगी, ठीक है, मेंढक को मिलेगी, कीड़े को मिलेगी, या फिर सांप को मिलेगी? 22 मार्च को कोरोना डे
चलिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखो सीधी सी बात है, सबसे ज्यादा एनर्जी होती है किस पे? प्लांट्स पे, घासों पे, ठीक है, घास पे या फिर कोई भी पौधा हो उस पर सबसे ज्यादा ऊर्जा होती है। लेट अस सपोज इसके पास ऊर्जा का अमाउंट है 10,000 जूल, ठीक है। इस ग्रास से ये एनर्जी ऊर्जा ट्रांसफर हुई किसमें? ग्रास ऊपर में, ठीक है, ग्रास ऊपर में, दैट इज किसमें? टिड्डे में, ठीक है। बट ये गई कितनी? इस ऊर्जा का 10%, तो ये रह गई कितनी? 1,000 जूल, ठीक है। इस ग्रास ऊपर से ये ऊर्जा ट्रांसफर हुई किसमें? इंसेक्ट में, कीट में। बट ये कीट में रह गई इस ऊर्जा का 10%, रह गई कितनी? 100 जूल। इस इंसेक्ट से ये एनर्जी ट्रांसफर हुई किसमें? मेंढक में। मेंढक में कितनी रह गई है? ठीक है, इस ऊर्जा का 10%, 10 जूल। और इस एनर्जी का ट्रांसफर हुआ किसमें? स्नेक्स में, सांप में, ठीक है, और वो रह गई इस ऊर्जा का 10%, 1 जूल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा ऊर्जा किसे मिल रही है? ग्रास ऑपर को। इसलिए आपने देखा होगा जो टीवी पे मैन वर्सेस वाइल्ड आता है, बेयर ग्रिल्स, बेयर ग्रिल्स, उसमें जो है बंदा वो ज्यादातर कीड़े पकड़ के खा रहा होता है, बिकॉज कीड़े, मोस्टली कीड़े जो रहते हैं डायरेक्ट प्लांट से एनर्जी लेते हैं, तो उनके पास ऊर्जा का क्या होगा? ज्यादा सोर्स होगा, ठीक है। वो आपसे बोलता भी है ये पौष्टिक बहुत है, इसमें ऊर्जा बहुत है, बिकॉज आपका ये फॉलो कर रहे हैं क्या ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी साइकिल्स को। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ग्रास हॉपर टिड्डा। क्लियर है? ठीक है, तो अगर कोई तुम में से नॉन वेजिटेरियन है और वेजिटेरियन तुमसे, अगर तुमको ये बताना है कि वेजिटेरियन होना अच्छा क्यों है, नॉन वेजिटेरियन होना बेकार क्यों है, आप इस पॉइंट पे बता सकते हैं कि भाई वेजिटेरियन को ऊर्जा ज्यादा मिलती है, नॉन वेजिटेरियन को ऊर्जा कम मिलती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी से भी लड़ जाओ, ठीक है, योगा वेजिटेरियन पे ऊर्जा ज्यादा है, योगा आजा लड़ ले, आजा नॉन वेजिटेरियन से बोले आजा लड़ ले, पता चला गोली मार गया तुमको, ठीक है, अगर मैं तो लड़ने की बोल रहा था तू तो गोली मार गया, ठीक है। तो ऊर्जा आपके पास ज्यादा है, ठीक है, ये मत बोला करो इसमें जान है इसमें जान नहीं है, ठीक है। पौधों को काटने पर दर्द नहीं होता, उनको भी दर्द होता है बेटा, बस वो बोल नहीं पाते। पौधे तुमसे ये नहीं बोलते ना भाई साहब कहा है तुमने पत्ती क्यों तोड़ी, दर्द तो उनमें भी होता है, ठीक है। आपके पास 5 इंद्रियां, उनके पास 3 इंद्रियां होती है, बोली तो नहीं पा रहा, ठीक है। पौधे तुम्हारी आवाज सुन सकते हैं, इसलिए जो खेत में जो किसान होते हैं, ठीक है, वो किसान क्या करते रहते हैं? गाने गुनगुनाते रहते हैं फसलों के टाइम पे। क्लियर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, ये क्लियर है ना? ये क्यों आपका 10-10-10-10 घटता जा रहा है, 10% एनर्जी लॉ फॉलो कर रहा है लेंडरमैन का। चलो अगला क्वेश्चन आपसे ये बोल रहा है कि लॉ ऑफ मिनिमम, ठीक है, न्यूनतम का सिद्धांत किसने दिया था? लेंडरमैन ने दिया था, ब्लैकमैन ने दिया था, गौजे ने दिया था, या भवानी बाबा कोई करके हैं उन्होंने दिया था? सर आप कहां से हो? सोमिमठ ठाकुर पूछ रहे हैं। मैं यहीं से हूं, इसी पृथ्वी ग्रह का वासी हूं मैं। नहीं, पहले मैं मंगल पे हुआ करता था, फिर मैंने देखा इस यहां के लोगों को बहुत पागल बनाया जा रहा है, तो मैंने वहां से लैंडिंग करी यहां पे। इसका मतलब पानी ना दो तो उनको पेन होगा, तो स्ट्रेस में मर जाएगा प्लांट वाटर स्ट्रेस की वजह से। वाह गज्जा गज्जा गज्जा। का बी, अच्छा चलिए चलिए, तो समझते हैं। पीके है सर? नहीं, केपी है सर, पीके नहीं, ठीक है। लॉ ऑफ मिनिमम वॉज गिवन बाय, देखो इस ऑप्शन में मैंने जानबूझ के जो चौथा साइंटिस्ट का मेरे को नाम लिखना था उसके नाम की जगह ना अपना नाम लिख दिया। इनमें से तीनों में से किसी ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया ही नहीं है। लॉ ऑफ मिनिमम इज गिवन बाय वॉन लिविक, ठीक है। मैं बस ये देखना चाह रहा था कि तुम लोग कॉन्फिडेंस में तुक्का लगाते हो, कितने कॉन्फिडेंस में लगाते हो। सबने आधे से यहां लोगों ने तुक्के में, ठीक है, अरे लिंडरमैन दिया ही नहीं है, मैंने ऑप्शन ही नहीं दिया,
ठीक है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे अलावा कितना पढ़ते हो, ठीक है, खुद भी तो थोड़ी बहुत पढ़ाई करते होगे। नहीं लिंडरमैन, भले ही लिंडरमैन ने लॉ ऑफ मिनिमम दिया ही नहीं हो, ठीक है। तो जो ये लॉ ऑफ मिनिमम था, न्यूनतम का सिद्धांत था, वो आपका दिया किसने? वॉल लिविंग ने। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वॉल लिविंग, ठीक है। अब ये लॉ क्या था सर, कितना परेशान करते, ठीक है। अब ये लॉ लॉ क्या था पहले ये समझो। नाउ व्हाट इज दिस लॉ, ये लॉ क्या था? लॉ ऑफ मिनिमम ये बोलता है कि अगर आपकी कोई भी एनवायरमेंटल फैक्टर्स है, ठीक है, या फिर कोई रिएक्शंस है, उस रिएक्शन में, ठीक है, कोई अमाउंट जो कि मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, कोई भी चीज जो कि मिनिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट हो, उस पूरी रिएक्शन को क्या कर सकता है? निर्धारित कर सकता है, ठीक है। समझ में आया? मैंने जो बोला वो चीज समझ में आई? लॉ ऑफ मिनिमम आपका ये बोलता है कि आपकी जब भी कोई भी रासायनिक क्रिया चलती है, उस रासायनिक क्रिया में जो चीज सबसे न्यूनतम मात्रा में होगी, वो चीज पूरी रिएक्शन को क्या कर सकती है, पूरी अभिक्रिया को क्या कर सकती है? निर्धारित कर सकती है, गवर्न कर सकती है। नहीं समझ में आया? आज सर नशे में है, किसने बोला तुमसे? चलो ये तो लॉ ने बोला, अब बाबा की भाषा में समझो, ठीक है, बाबा की भाषा में समझो। तुम्हारे पास 10,000 रुपये, तुम सबके पास क्या? 10,000 रुपये, ठीक है। और ये फालतू का पड़ा था, सभी के पास कभी ना कभी ऐसा होता है कि 10,000 5,000 रुपये पड़े रहते हैं, उनका कोई यूज नहीं हो रहा होता, ठीक है, उनका कोई यूज नहीं हो रहा होता, वो पड़े रहता, काफी दिनों से पड़े हुए, 2-3 महीने से पड़े हुए, ठीक है। अपन बस जेब में गर्मी डाल के आए, 10,000 है भाई के पास, बहुत पैसा है, ठीक है, जेब में डाल के बस घूमते रहते, बस बार बार में थोड़े चेक कर लेते कि कहीं गायब तो नहीं हो गया, ठीक है। तुम सबके पास 10,000 रुपये। एक दिन तुम रोड पे जा रहे थे, तुम्हें एक बैग पसंद आ गया, वो बैग था कितने का? 8,500 का। वो बैग था तुम्हें 8,500 का, तुमने जाके वो बैग खरीद लिया, तुमने जाके ये बैग खरीद लिया। स्पेयर कितना बचा तुम्हारे पास, ठीक है, स्पेयर कितना बचा? 1,500 रुपये। जिस दिन तुमने ये काम किया, सबकी हर किसी के साथ होता है ये, जो लॉ है प्रैक्टिकली एप्लीकेबल है, हर किसी के साथ होता है, आपके साथ भी होता है, मेरे साथ भी होता है। हमको बैग पसंद आया, हमको घड़ी पसंद आई, हमको कपड़े पसंद आए, हमने खरीद लिए, वो जो स्पेयर पैसा 2-3 महीने से पड़ा हुआ था, जैसे ही मैंने खरीदा ना, जैसे ही खरीदा, मेरे पास बचे कितने? 1,500 रुपये, ठीक है। अब क्या होता, अगले ठीक 2 से 3 दिन में कोई ना कोई या तो अपना सामान टूट जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट सामान, या फिर कोई चीज ऐसी आन पड़ती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो चाहिए चाहिए, वो करना ही है, उसके बिना काम नहीं होता। और अपने पास पैसे कम पड़ रहे होते हैं, कितने से? हो सकता है 1,000 रुपये कम पड़ रहे हो। अभी मेरे पास कितना पड़ा था? 10,000 पड़ा था, जब तक वो काम नहीं आया था, जब तक वो काम आया ही नहीं था, जब तक वो चीज आनी ही नहीं थी, जब 10,000 रुपये पड़ा था। अभी क्या हुआ, 1,000 रुपये कम है मेरे पास उस चीज को खरीदने के लिए। तो इन 1,000 रुपये ने आपकी रेट ऑफ परचेसिंग, को गवर्न कर दिया। अब तुम क्या 10 जगह भीख मांगोगे? मैं भी भीख मांगूंगा 10 जगह, क्योंकि भाई साहब 1,000 रुपये दे दो, मैं दे दूंगा 7 दिन बाद दे दूंगा, ठीक है, अगले महीने दे दूंगा, 6 दिन बाद दे दूंगा, ठीक है। तो इस मिनिमम वैल्यू ने, ठीक है, इस मिनिमम वैल्यू ने पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को क्या कर दिया? गवर्न कर दिया। इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मिनिमम। आया समझ में? समझ में आया लॉ ऑफ मिनिमम?
अब समझ में आ गया लॉ ऑफ मिनिमम क्या होता है। चलो तो इस कोई भी मिनिमम चीज ठीक है आपकी पूरी रेट ऑफ रिएक्शन को गवर्न कर सकती है। ठीक है, जैसे कि सबसे अच्छी बात, ठीक है सबसे अच्छी बात अगर इसको और बहुत इजी वे में समझाऊं, कल को तुम सबके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए सबके तुम्हारे अमाउंट में, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है 10 लाख रुपए क्रेडिट हो जाए तुम सबके अमाउंट में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है रोज क्रेडिट हो तो एक टाइम के बाद जब दिक्कत होगी इनकम टैक्स की रेट पड़ सकती है, बट वो मैं सुलटा लूंगा, पैसा खिला दूंगा सुलटा लूंगा। बट अगर मेरे अकाउंट में कल जीरो हो जाए या फिर 10 रुपए ही बचे हो कल मेरे अकाउंट में, ये दिक्कत की बात है, ये दिक्कत की बात है, ये बहुत ज्यादा दिक्कत की बात है कि अकाउंट में केवल 10 रुपए बचे, अब मैं अपनी डेली नीड कैसे पूरी करूं। तो कोई चीज कम हो रही है वो ज्यादा दिक्कत की बात होती है, ठीक है कोई चीज बढ़ रही है वो उतनी दिक्कत की बात नहीं होती, उसे कम कराया जा सकता है। ठीक है क्लियर, तो दैट इज आपका लॉ ऑफ मिनिमम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, अगला क्वेश्चन आपसे बोल रहा है हु वॉज द फर्स्ट पर्सन वुमन वेंट टू स्पेस। ठीक है अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला कौन सी थी, सुनीता विलियम, बचेंद्री पाल, वेलेंटीना तेरेशोकोवा या फिर कल्पना चावला। हो जाए तब तो मजा हो जाए। सर सुपर डेट जूनियर के क्वेश्चन करा दीजिए प्लीज प्लीज प्लीज। शैलजा शर्मा अभी आ रहे हैं, रुक जाओ, सुपर डेट जूनियर पे भी आ रहे हैं, रुक जाओ। सर बीमारी बढ़ रही है तो दिक्कत होगी, वेरी गुड, बट बीमारी को रोका जा सकता है। ठीक है बीमारी को आपका बढ़ने से पहले रोका जा सकता है। ठीक है बट बीमारी ही नहीं है, अगर अब बीमारी नहीं है तो अपन टेंशन में रहते हैं, यार अभी तक तो कोई बीमारी नहीं हुई, ये टेंशन बहुत बुरी चीज है। ठीक है तो इसका आंसर दे, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज जो आपकी पहली महिला थी ठीक है आपकी अंतरिक्ष में जाने वाली, वो एक रशिया की थी और उनका नाम था वेलेंटीना तेरेशकोवा। ठीक है नाम थोड़ा सा टफ है तो ऐसे याद कर लो वेलेंटीना, मुझे वेलेंटाइन से, वेलेंटाइन डे से क्या तेरे से शिकवा है, तेरे शिकवा। ठीक है मेरे को वेलेंटाइन डे से ही तेरे से शिकवा है, वेलेंटीना तेरे शिकोवा। ठीक है पूरा नाम क्या है, वेलेंटीना तेरे शिकोवा, तो मेरे को वेलेंटाइन डे से ही तेरे से शिकवा हो गई है। ठीक है तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। ठीक है भारत की पहली जो थी वो थी आपकी कल्पना चावला। चलिए आइए थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन करते, ठीक है इंसुलिन कम्स आउट ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन ऑर्गन, जो आपका इंसुलिन है ठीक है जो कि आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। ठीक है जैसे कि आपने क्या जैसे जो लोग जिनको ज्यादा खाने की आदत होती है ना, कभी पावाजी खा ली, फिर मोमोज खा लिए, फिर दही बल्ले खा लिए, फिर घर गए मैगी खा ली, फिर खाना भी ठूस लिया, फिर कर लिया, तो आपकी बॉडी में क्या एक हार्मोन है ठीक है इंसुलिन, हमारी बॉडी में ये धीरे धीरे शुगर बढ़ रही होती है, हमारी बॉडी में धीरे धीरे शुगर बढ़ रही होती है, तो एक हार्मोन है जो क्या करता है इस शुगर के लेवल को वापस से नॉर्मल लाता है, ये नॉर्मल लेवल है, ये नॉर्मल सामान्य स्तर है, इस हार्मोन का नाम है क्या इंसुलिन, इस हार्मोन का नाम क्या है इंसुलिन। ठीक है ये शुगर लेवल नॉर्मल थी, इससे ऊपर बढ़ गई, यहां पहुंच गई अब, तो इसको वापस से डाउन करके नॉर्मल लेवल पे लाएगा इंसुलिन, तो ये कौन से अंग से निकलता है। ठीक है तो वेरी गुड, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। अब देखो इसी बेसिस पे अगर मेरी बॉडी में इंसुलिन नहीं है तो दो तरह की डायबिटीज हो जाती है। ठीक है अगर इंसुलिन नहीं है तो दो तरह की डायबिटीज हो जाती है, एक होती है टाइप 1 डायबिटीज और एक टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज इसका आज तक रीजन पता नहीं है क्यों होता है, ठीक है इसके ऊपर रिसर्च चल रही है। ठीक है टाइप 2 डायबिटीज होता है हमारी हरकतों की वजह से, हमारी हरकतों की वजह से कैसे, मतलब हरकत समझो, हमारी बॉडी एक तरह से एक कंपनी है। ठीक है सबको कहना सारे वर्कर्स है, ठीक है
इस कंपनी के हेड हम खुद है, बाकी अंदर में जो भी है सारे वर्कर्स है। ये इंसुलिन भी हमारा क्या एक नौकर है, ठीक है, इंसुलिन भी हमारा क्या है नौकर है, ठीक है। बट एक चीज याद रखो, भले ही तुम मालिक हो, ठीक है, भले ही तुम क्या मालिक हो, ठीक है, बट मालिक अगर नौकर पे अत्याचार करेगा ना, तो भाई नौकर एक टाइम के बाद सहेगा नहीं, याद रखना। मालिक अगर नौकर पे अत्याचार करेगा तो एक टाइम के बाद सहेगा नहीं। तो होता क्या है, तुम लोग तो खाए जा रहे हो, चरे जा रहे हो, तुम्हारी आदत बुरी, ले दे चर ले, ये भी खा ले, वो भी खा ले, ये भी खा ले, जो कोई भी ला के दे रहा है ये भी खा लेंगे, वो भी खा लेंगे, कोई ये लड्डू दे रहा है ये भी खा लेंगे, रसगुल्ला भी खा लेंगे, सब खा लेंगे। ये इसका काम है, नौकर है ये तो क्या करेगा, कम करेगा। बट एक दिन क्या होगा कि तुम इतना खा लोगे कि ये नौकर कहेगा बस बहुत हो गया, तो ये कंपनी का शटर डालेगा, ठीक है, मस्त वहां बैठ के बीड़ी जला के मस्त बीड़ी फूकेगा, ठीक है, दैट इज इंसुलिन, ठीक है। उस टाइम आपकी बॉडी में बन रहा है इंसुलिन, बट काम नहीं कर रहा, नौकर कंपनी तक आ रहा है, मजदूर आ रहा है कंपनी तक, बट कंपनी का शटर डाल लगा, मस्त बीड़ी फूक रहा है, ठीक है। कंपनी में जो सुपरवाइजर है, सुपरवाइजर कौन, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, हाइपोथैलेमस, कंपनी के डायरेक्टर है, ठीक है। डायरेक्टर साहब बोलते हैं, हे वो सुपरवाइजर, ये काम क्यों नहीं कर रहे, मैं पूछता हूँ भाई साहब साहब, ठीक है, क्यों रे काम क्यों नहीं कर रहा, तो नीचे से इंसुलिन नहीं कर रहे, क्या कर लोगे, आओ तो सही नीचे, तब तुम्हें बता। तो दैट इज हाउ आवर बॉडी वर्क, ठीक है। तो अगर तुम उसको ज्यादा काम दोगे तो भाई वर्कर है वो, वर्कर भी बुरा मान जाएगा। तो बनता तो है यहाँ, बट काम नहीं करता, यहाँ बनता ही नहीं है, क्यों नहीं बनता, वो रिसर्च का टॉपिक है। तो दैट इज टाइप 1 डायबिटीज इंसुलिन डिपेंडेंट, टाइप 2 डायबिटीज इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए। क्लियर है, चलो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, द आइल ऑफ लैंग्रैंग, ठीक है, यहां जो टी है, ये जो टी लिखा रहता है ये साइलेंट रहता है, तो अपन बोलते हैं द आइल ऑफ लैंग्रेंस, द आइल ऑफ लैंग्रेंस डेट सिक्रीट, नहीं सिक्रीट नहीं, डेट फाउंड इन, ठीक है। तो द आइल ऑफ लैंग्रेंस दैट फाउंड इन, ठीक है, स्प्लीन में, ब्रेन में, किडनी में या पेनक्रियास में, चलो वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो आइल ऑफ लैंग्रेंस जो है वो आपको मिलता है कहां पे, पेनक्रियास में, ठीक है। तो पेनक्रियास आपकी जो अग्नाशय है, पेनक्रियास अग्नाशय, इसमें एक सेल का, एक कोशिका का गुच्छा मिलता है, इस गुच्छे को अपन बोलते हैं आइल ऑफ लैंग्रेंस। अब ये जो आइल ऑफ लैंग्रेंस है, लैंग्रेंस की द्वीपिका, ये एक लैंग्रेंस नाम के साइंटिस्ट ने खोजी थी, इसलिए अपने उस पर नाम रख दिया। ठीक है, इसमें अलग अलग टाइप की कोशिकाएं होती है, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका, डेल्टा कोशिका, पीपी या एफ कोशिका। ठीक है, जो अल्फा कोशिका है वो ग्लूकागोन हार्मोन बनाती, जो बीटा कोशिका है वो इंसुलिन हार्मोन बनाती, ठीक है, जो डेल्टा कोशिका है वो सोमेटोस्टेटिन हार्मोन बनाती है। अब ग्लूकागोन को हिंदी में ग्लूकागोन बोलते हैं, बोल ये मत बोलना सर ग्लूकागोन को हिंदी भी लिख दो, ठीक है। और जो पीपी कोशिका है, ठीक है, वो पेनक्रियाटिक पॉलीपेप्टाइड, इसकी जरूर हिंदी है, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड हार्मोन बनाती है, अग्नाशयी पॉलीपेप्टाइड। ठीक है, तो दैट इज द आइल ऑफ लैंग्रेंस, ठीक है, ये है आपकी क्या, आइल ऑफ लैंग्रेंस, ठीक है, क्लियर है। सर जी आपकी शादी हो गई, काय तुम ला के दोगे हमको, हैं? हमको ला के दोगे का, आपकी शादी होगी, कहाँ करोगे जान के, हमारी शादी हुई,
हम जाएंगे हिमालय पे, हमारे साथ चलोगे का? हिमालय पे हम एक साइड में डालेंगे का लठ, एक साइड में डालेंगे चटाई, एक साइड लगाएंगे समाधि। चलो तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बिकॉज इस चीज से क्वेश्चन आ जाते कि अल्फा सेल कौन सा हार्मोन बनाती है। सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो बीटा सेल का पूछा जाता है। सर जी आपकी गर्लफ्रेंड का नाम? हाँ गर्लफ्रेंड सुनना चाहोगे? कौन है बताए ने, बोलो। हाँ गर्लफ्रेंड का नाम है हमारी। बिजली चिड़िया, हमारी गर्लफ्रेंड का नाम है बिजली चिड़िया। ठीक है, हमारी गर्लफ्रेंड है बिजली चिड़िया, इसको इंग्लिश में थंडर बर्ड बोलते हैं। जो हमारी मोटरसाइकिल है, जई है, हम जई पे बैठे रहते हैं। ठीक है चलो, नेक्स्ट थिंग इज अगला क्वेश्चन। ठीक है, पेस मेकर इज कंसर्न विद। ठीक है, जो पेस मेकर होता है, ठीक है, वो किससे आपका रिलेट करता है? किडनी से, ब्रेन से, स्प्लीन से या फिर हार्ट से? ठीक है, तो पेस मेकर कंसर्न विद। पेस मेकर कंसर्न विद, वेरी गुड आंसर इज हार्ट। तो ये जो पेस मेकर है, ठीक है, ये जो पेस मेकर है, पेस मेकर, ये एक्चुअली हार्ट में एक नोडल टिश्यू होती है, एक टिश्यू होती है, एक उतक होती है, इसको आप बोलते हैं ऐसे नोड, 6.5 तक है भाई। ठीक है, तो इसको आप बोलते हो क्या ऐसे नाड़ी। और जब ये करंट जनरेट करता है आपका, तभी आपका हार्ट क्या करता है, पंप करना चालू करता है। अगर इसने करंट नहीं जनरेट किया तो आपका हार्ट पंप नहीं करेगा। तो नॉर्मली आपका जो हार्ट पंप कर रहा है अभी अभी अभी, हम सबका हार्ट क्या पंप कर रहा है। ठीक है, तो ये कर रहा है किसकी वजह से, ऐसे नोड की वजह से। बट कभी कभार क्या होता है, जैसे कि आप बैठे हुए, आपने इधर बैठे हुए, ठीक है, या फिर बैठे हुए एकदम से कहीं ध्यान और है, एकदम से कोई आगे ऐसे करते बुका, ठीक है, तो आपका उसी टाइम पर आगे पंपिंग ऐसी हो जाती है। उस टाइम वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, तब आपका हार्ट को कंट्रोल करता है ब्रेन। तो वो इमोशन है, वो डर है, उस टाइम डर के टाइम पर आपका, डर हुआ, ठीक है, हैप्पीनेस हुई, उस टाइम पे आपका ब्रेन इन्वॉल्व हो जाता है। नॉर्मली आपका ऐसे नोड आपका हार्ट को कंट्रोल करता है, और ये इसी को हम बोलते हैं पेस मेकर, दैट इज हार्ट। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, इस प्रश्न का उत्तर है क्या, डी। अगला क्वेश्चन, एंटीबॉडी इज प्राइमरली ए। ठीक है, एंटीबॉडी मुख्य रूप से एक पदार्थ है जो कि क्या है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मैलिक एसिड है या कैल्शियम ऑक्सलेट है, बताए। तो एंटीबॉडी किससे बने होते हैं? मैं जा रहा हूं, जाओ टाटा बाय बाय, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। तुमको क्या लग रहा है, बहुत सारे लोग तुम्हें कहेंगे नहीं नहीं बप्पू, नहीं बिट्टू, मत जाओ, कोई नहीं रोकेगा। जाने वाले को जाने से कोई नहीं रोक सकता, आने वाले को आने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो एंटीबॉडी जो होते हैं ये आपके कुछ प्रोटीन होते हैं जो कि आपकी बनाती है WBC, ठीक है, श्वेताणु, ठीक है, और एक स्पेशल WBC है, इस WBC का नाम है बी लिम्फोसाइट, बी लसिक कोशिका, ठीक है, बी लसिक कोशिका, ये आपकी बॉडी में बनाती है क्या, एंटीबॉडी, एंटीबॉडी प्रतिरोधक।
ये बने होते हैं किससे? प्रोटीन से। इन्हीं एंटीबॉडी को दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिंस भी दिया गया, इम्यूनोग्लोबुलिंस भी दिया गया। इन्हीं एंटीबॉडी का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोबुलिंस दिया गया। शॉर्ट में आप एंटीबॉडी को ए बी या फिर आईजी बुलाते हो, ठीक है। और हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के प्लाज्मा में 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है, ठीक है। इसका नाम है GAMD, ठीक है। याद रखने के लिए, खुशी तो बहुत मिल गई मुझे, अब तू मुझे गम दे, ठीक है। तो 5 तरीके की एंटीबॉडी होती है, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE, ठीक है। तो खुशी तो मुझे बहुत मिल गई, अब तू मुझे गम दे, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, ठीक है, ए प्रोटीन, ए प्रोटीन से बनी होती है। क्लियर है? सर टुमारो छुट्टी है? हाँ जी बेटा, क्लियर है? तो याद रखने के लिए, खुशी तो बहुत मिल गई, अब तू मुझे गम दे। ठीक है, चलो नेक्स्ट थिंग इज, अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज द मोस्ट कॉमन कंपाउंड डेट प्रोड्यूस किडनी स्टोन। इनमें से आपका कौन सा आपका यौगिक है जो कि आपका किडनी स्टोन का कारण बनता है? जो आप सुनते हो ना, मेरे को स्टोन की प्रॉब्लम हो गई है, ठीक है। तो यू स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, बट स्टोन की प्रॉब्लम में लड़के जो होते हैं, लड़के स्पेशली एक चीज गलत बोलते हैं, लड़के लोग आप लोग बोल देते हो कभी कभार मेरे यूटेरस में स्टोन हो गए। लड़के लोग कभी कभार क्या बोल देते हैं? मेरे यूटेरस में स्टोन हो गया। बेटा यूटेरस में नहीं, यूरेटर में स्टोन हो गया, मूत्र नली में। बहुत सारे लड़कों को मैंने बोलते हुए सुना है मेरे यूटेरस में स्टोन है, ठीक है। सिंपैथी, फालतू की सिंपैथी गेन करना चाहते मेरे, तुम्हें पता है मेरे यूटेरस में स्टोन। और सामने वाले, सच्ची बताओ, अबे यूटेरस, यूटेरस गर्भाशय होता है, लड़कों पे कब से आने लगा ये? तो अगर सिंपैथी गेन भी कर रहे हो फर्जी की, तो कम से कम टर्न तो यूज करो, यूटेरस नहीं होता। तो वेरी गुड, ये जो स्टोन होता है ये आपका किससे बना हुआ है? कैल्शियम ऑक्सलेट से, ठीक है। तो ये आपका कुछ फूड पार्टिकल होते हैं, जैसे कि आपका पाइनएप्पल हुआ, ब्रिंजल हुआ, ठीक है, टमाटर हुआ, इन सब के अंदर एक एसिड होता ऑक्सलिक एसिड। जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट करती है इसे, तो कई बार वो कैल्शियम के साथ इसको बाइंड कर लेती है। अब जिनकी प्रॉपर किडनी काम कर रही होती है वो इसे बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, बट जिनकी किडनी नहीं प्रॉपर काम कर रही होती उसके अंदर यही कैल्शियम ऑक्सलेट फिल्टर नहीं हो पाता और वहां पर क्रिएट कर देता है क्या? स्टोन, ठीक है। इसी को अपन बोलते कैल्शियम ऑक्सलेट के स्टोन, ठीक है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, इस प्रश्न का उत्तर है आपका ए, ठीक है। तो इस प्रश्न का उत्तर है ए। नेक्स्ट थिंग इज, अगला क्वेश्चन, हार्ट रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय, ठीक है, हार्ट रेगुलेशन इन ह्यूमंस इज कंट्रोल्ड बाय। मनुष्यों में हृदय का नियमन डैश द्वारा नियंत्रित किया जाता है, लिवर द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा, हार्ट द्वारा या फिर लंग्स द्वारा। हाँ बेटा, यूपीटेट के लिए भी है। बेटा 6:30 तक चलेगी। पचास साल के बाद इस तरह के लड़के में होने की संभावना नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये फालतू की बात है। चलिए, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कि हार्ट की रेगुलेशन ह्यूमंस में कंट्रोल करता है कौन? खुद हार्ट ही। अभी मैंने बताया था पेसमेकर के बारे में, ठीक है, कि आपका अगर मैंने हार्ट यहां से खींच के निकाल दिया तो भी वो खुद ही धड़कता रहेगा, ठीक है, उसको अलग से धड़कने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए आपका हार्ट ट्रांसप्लांटेशन इजी होता है, 2 घंटे तक हम हार्ट को ट्रांसप्लांट कर सकते हैं मरने के बाद भी, बिकॉज 2 घंटे बाद ये हार्ट सड़ने लगेगा, ठीक है। तो 2 घंटे बाद यूज का नहीं हो जाएगा। ब्रेन तो जैसे कई बार क्या होता है कि पर्सन जो बोल देता है कि ये पर्सन क्या है, ठीक है, ये
आपका कोमा में चला गया। अब कोमा में एक्चुअली में कोमा इज ए कंडीशन जहां पे आपका ब्रेन डेड हो चुका होता है, बट स्टिल जब तक आपकी ये रीडिंग चल रही है, क्योंकि दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो ये रीडिंग को आर्टिफिशियली बना पाए, ये जो रीडिंग चल रही है मशीन में, ठीक है, तब तक मैं कैसे पता करूं। कई बार तो क्या होता है बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कई बार क्या होता है कि पेशेंट मरा हुआ होता है, ठीक है, बट वेंटिलेटर से दिखा रहे कि वो सांस ले रहा है, सांस छोड़ रहा है, ठीक है, तो सांस, अब तुम लोग नहीं पता कि भाई वेंटिलेटर यही काम करता है कि वो मुर्दे को भी सांस लेता सांस छोड़ता दिखा दे, ठीक है, तो कैसे पता करूं मेरा जो पेशेंट है वो जिंदा है कि नहीं, ये देखते रहो, ये देखते रहो, ये जब तक चल रही है तब तक सब सही है, ठीक है, ये जैसे ही ऐसे, जैसे ही ये ऐसे ऐसे आ जाए, ठीक है, तो भी याद रखना, तो फालतू का रोया बिल्लाई मत करने लगना, एक बार चेक कर लेना कि कहीं पैचेस वगैरह जो लगे रहते हैं, ठीक है, इसमें क्या 6 अलग अलग इलेक्ट्रोड लगते हैं, ठीक है, कहीं वो तो नहीं हट गए, वो हट गए तो ये रीडिंग गायब हो सकती है, पता चला तुमने रोना रोया बिल्लाई चालू कर दी, चला गया, ठीक है। हाँ, अगर ये सब लगा हुआ हो तो एक बार डॉक्टर को बुलाना, फिर डॉक्टर कंफर्मेशन दे देगा, ये आपकी ना आर्टिफिशियली कोई सी मशीन नहीं जनरेट कर सकती, और ये आपका जनरेट होता है हार्ट से ही, तो जब हार्ट की डेथ हो जाती है तब अपन बोल देते हैं पर्सन इज डेथ। क्लियर? तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। हाँ, इफ ए पर्सन सफर फ्रॉम रिकेट, अगर एक पर्सन को, व्यक्ति को रिकेट या फिर सूखा रोग हो गया, तो उसकी बॉडी में कौन सा विटामिन कम है? बताओ, ठीक है, वेरी गुड, ये तो सबको पता है, ठीक है, अगर एक पर्सन में, ठीक है, पर्सन में भी ये बच्चा होना चाहिए, ये बच्चा होना चाहिए, ठीक है, बच्चों के अंदर ये अगर कम है तो ये हो जाता है रिकेट, सूखा रोग। तो इसमें आपकी जो हड्डियां है वो घुटने से मुड़ जाती है, और आपकी जो नीज है वो नॉक हो जाती है, तो आप कुछ ऐसे ऐसे चल के आते हो, ठीक है, हालांकि ये कंडीशन फ्लोरोसिस में भी देखने को मिलती है, बट सबसे कॉमनली विटामिन डी की डेफिशिएंसी से रिपोर्ट होता है, ठीक है, बट अगर यही बड़े लोग में, एडल्ट में अगर ये कम हो गया, एडल्ट में, बड़े व्यक्ति में, बूढ़े में, ठीक है, तो ये आपको कॉज कर देगा ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोमलेशिया, आंसर टू दिस क्वेश्चन इज डी, ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है? डी। चलो आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 518 बोल रहा है कि इनमें से कौन सा जंतु कशेरुकी होता है, कशेरुकी मतलब जिनके पास क्या रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम होती है, ओ सॉरी, प्रॉब्लम कह रहा हूं, रीढ़ की हड्डी होती है, कशेरुकी वो जानवर जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है। वाह सर, आपको तो चल भी लेते, अरे मैं क्या क्या कर सकता हूं तुम्हें थोड़ी पता है, सर आप अच्छा पढ़ाते हो, धन्यवाद धन्यवाद। बेटा सबके लिए, जूनियर सुपर टेट के लिए भी है, चलो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज, देखो स्पॉन्ज, स्पॉन्ज पॉरीफेरा, पॉरीफेरेंस है, पॉरीफेरेंस मतलब जिनकी शरीर पे छेद ही छेद हो, इनने शायद लगता दबंग मूवी देख ली है, इतना छेद करेंगे, इतना छेद करेंगे, पता नहीं पड़ पाएगा खाए कहां से हो, निकाले कहां से हो, ठीक है, तो स्पॉन्जेस की पूरी बॉडी पे छेद छेद रहते हैं। स्टार फिश, ठीक है, इसकी बॉडी पर कांटे होते हैं, इसलिए इसको अपन डालते हैं किसमें, इकाइनोडर्म में,
ठीक है, तो स्टार फिश की बॉडी में जो होते हैं कांटे होते हैं, इसलिए अपन इसको डालते हैं किसमें, इकाइनोडर्म में। क्लियर, इतना क्लियर हुआ? इतना क्लियर हुआ? ठीक है, दूसरी चीज थ्रेड वॉर्म। थ्रेड वॉर्म, इसको हम पिन वॉर्म भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी बॉडी गोल होती है, इसलिए इसे हम रखते हैं नीमेटोड में, नीमेटोड। और ये जो क्लास है, ये जो आपकी एनिमल किंगडम की क्लास है, ये तीनों ही आपकी कैसी है, इनवर्टिब्रेट है, अकशेरुकी है। ये क्या है, अकशेरुकी। ठीक है, जबकि कीवी आपकी फ्लाइटलेस बर्ड्स है, और बर्ड्स आते हैं किसमें, बर्ड की जो क्लास है, क्लास वो किसमें आती है, ठीक है, ये आती है एविस में। और एविस किस फाइलम में आता, सब फाइलम में आता है, सब फाइलम है आपका, उपवर्ग है आपका कौन सा, वर्टिब्रेटा, और फाइलम है ये कॉर्डेटा। फाइलम कौन सा है, कॉर्डेटा। ठीक है, कॉर्डेटा। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज कीवी, कीवी। ठीक है, और कीवी इज ऑल्सो द नेशनल बर्ड ऑफ न्यूजीलैंड, ये आपकी न्यूजीलैंड की क्या है, राष्ट्रीय पक्षी भी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है 519, विच बैक्टीरियम इज यूज टू कन्वर्ट मिल्क इनटू कर्ड, दूध को दही में बदलने वाला, दूध को दही में बदलने वाला। ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिस विब्रियो, स्ट्रेप्टोकोकस, या फिर स्पाइरिलम। बताओ, नाइनटीन का सी, वेरी गुड। ठीक है, तो एक तो आपका कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है, एक आपका होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, पूरा नाम है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। तो ये भी आपका क्या करता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टाई की तरह दूध को दही में बदल सकता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस अलग है, विब्रियो कोलेरी अलग है, स्पाइरलम तो आपकी एल्गी रहती है। ठीक है, तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज सी। अगला क्वेश्चन, ठीक है, 20, विच वन ऑफ देम फॉलोइंग इज एन एक्यूट वायरल डिजीज ऑफ एनिमल दैट इज स्प्रेड इन ह्यूमन थ्रू द बाइट ऑफ एन इन्फेक्टेड एनिमल, निम्नलिखित में से कौन सा जानवरों की एक तीव्र वायरल बीमारी है जो कि एक संक्रमित जानवर के काटने से मनुष्यों में फैलती है। ठीक है, हीमोफीलिया है आपकी, कैंसर है, रेबीज है, या फिर मम्स है, बताएं। चलिए, वेरी गुड वेरी गुड, ये भी सबको पता है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज रेबीज, और इसी को आप हाइड्रोफोबिया भी बोलते हो। अब देखो, ये केवल पागल जानवर में से ही आपका, एक तो पागल कुत्ता हो गया, कुत्ता हो गया, एक आपकी बिल्ली हो गई, एक आपके बंदर हो गए, ठीक है, एक आपके चमगादड़ हो गए, ठीक है, एक आपके भेड़िए हो गए, एक आपका उल्लू हो गया, एक आपका क्या बोलते हैं, शेर वगैरह भी हो, पर शेर वगैरह तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है, दिक्कत तो ये है। तो ये अगर आपको काट ले, ठीक है, पागल, ठीक है, तो ये आपको डिजीज कॉज हो सकती है, रेबीज। ठीक है, तो एक पागल आदमी भी, ठीक है, इवन ह्यूमन, जैसे कि मुझे रेबीज है, ठीक है, मुझे रेबीज है, ठीक है, मुझे थोड़े थोड़े टाइम में दौरे आते रहेंगे, ठीक है, दौरे आते रहेंगे, और तुम लोग मेरे से बात करने आए, तुम लोग कभी मेरे से मिलना है, हो सकता है उस टाइम मेरे को रेबीज हो, ठीक है, तो मैंने तुम में थप्पड़ मार दिया, तो तुमने भी मेरे में थप्पड़ मार दिया, मैं तो पागल हूँ, मैं तो कोई रिएक्ट करूंगा ही नहीं, ठीक है, बट पिटते 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 मेरे को एकदम से झटका आया, मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ा, काट लिया, तो ये जो सलाइवा है तुम्हारी बॉडी में चला गया, फिर घर पे तुम गए, घर पे तुम्हारे पापा तुमसे चट रहे थे, ठीक है,
तुम बहुत पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, पढ़ाई नहीं कर रहे, तुमने पापा पकड़ के चटका दिया, पापा ने कॉलोनी चटका दी, कॉलोनी ने शहर चटका दिया, यही तो जॉम्बीज की मूवीज में देखते हो आप या फिर वेम्पायर की मूवीज में देखते हो। तो ये कंसेप्ट एक्चुअली में रेबीज का है। रेबीज के वायरस जो है, कई और टाइप के वायरस होते हैं, रेबडो वायरस, ठीक है, जिनका इंक्यूबेशन टाइम अलग अलग होता है। कुछ साल साल में एक्टिवेट होते हैं, कुछ महीने महीने में एक्टिवेट होते हैं, कुछ दिन दिन में एक्टिवेट होते हैं, उस हिसाब से सिम्टम आ जाता है। तो आपने वेम्पायर की मूवी में वेयरवुल्फ देखे थे, वेयरवुल्फ अमावस्या की रात को लाते थे, तो वो महीने महीने में एक्टिवेट होने वाला थे, ठीक है। तो ये आपने कंसेप्ट जो देखा हुआ है, ये सब रेबीज के देखे हुए, ऐसा कुछ नहीं है रेबीज वाले को पानी से दूर रखते, कुछ भी कुछ भी। चलो, एक्स एक्स वाई इज ए कंडीशन सीन इन, ठीक है। एक्स एक्स वाई एक ऐसी स्थिति है जिसमें देखा जाता है, किसमें, टर्नर सिंड्रोम में, डाउन सिंड्रोम में, पटाओ सिंड्रोम में या क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। बताओ, ए टर्नर, अच्छा जी, चाय पी लीजिए, पिला दीजिए भाई, भेज दे, अगर कोई ऐसा सिस्टम है तो, कि स्क्रीन में से हाथ आ जाए, ठीक है, चाय का कप खींच ले। अगर ऐसा सिस्टम होता तो आधे से ज्यादा गला पकड़ के खींच लेता मैं, जो ये बोलते हैं ना पढ़ाने नहीं आता, यही खींच के बता, तो तू पढ़ा ले, आ जा भाई। चलिए, तो आंसर टू दिस, देखो बहुत सारे लोग टर्नर बोल रहे हैं, टर्नर में क्या होता है, 44 प्लस XO, ये फीमेल में देखने को मिलता है, ये फीमेल बांझ हो जाती है। यहां पे क्या होता है, ट्राइसोमी होती है, ट्राइसोमी मतलब एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम जुड़ रहा है 21st क्रोमोसोम पे। पटाओ में आपका ट्राइसोमी होती है आपका 13th क्रोमोसोम पे, 13th पेयर पे, ठीक है। क्लाइनफेल्टर में आपका 44 XXY, ठीक है, और ये कंडीशन मेल्स के अंदर देखने को मिलती है, ठीक है। तो ये आप सबने देखा है, ये देखो, ये X है, ये XY है, ये मेल है, ये XX है, फीमेल है। अब जब तीनों ही मिल गए तो ये क्या बना, ठीक है, तो ये वही बना आपका जो कई लोगों के घर पे आता है, बड़ा प्यारा सा, ठीक है, आप सभी लोगों के घर पे बड़ा प्यारा सा आता है, आए सज गई गली मेरी अम्मा सुनर कोटे में, सुनर कोटे में, सुनर कोटे में, ठीक है। तो ये बेटा मेल्स होते हैं, ठीक है, ये मेल्स के अंदर एरर आई है। तो देखो, फीमेल को कितने सारे गिफ्ट मिले, ठीक है, ये वाली जो एरर होती है फीमेल में नहीं आती, ठीक है, इसलिए है ना कहावतें आती थी, औलाद का हर सुख हर किसी को देखने को नहीं मिलता। क्यों, औलाद भाई कभी कभार पैदा होते टाइम ऐसी हो जाती है, ठीक है, कभी कभार पैदा होते टाइम ऐसी हो जाती है भाई औलाद, ठीक है, पैदा होती इनको अलग भेज दिया जाता है, ठीक है, इनको सोसाइटी में ट्रीट ही नहीं किया जाता और ये आ जाते हैं, सज गई गली मेरी अम्मा सुनेरे कोटे, या तो ऐसी आ जाती है या फिर इन्हीं में अगर एरर्स आ जाए वाई क्रोमोसोम में, ठीक है, ठीक है, इन्हीं में एरर्स आ जाए तो होता क्या है, मतलब पापा चाह रही थी लड़का हो, मम्मी चाह रही थी लड़की हो, मैं हो गया, अब इसमें मेरी क्या गलती बताओ। कोई बता सकता है मेरी गलती क्या है इसमें, तो तुम लोग ऐसे देखते हो हम लोगों को, क्या करें हम, टर्नर सिंड्रोम 47 नहीं हो तो 45 होता है, ढंग से पढ़ लो, जो भी बता रहे हो गलत बता रहे हो, 47 टर्नर होता है, गलत है गलत। डाउन में 47 होते हैं बट वो 21st क्रोमोसोम की ट्राइसोमी होती है, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है।
तो अगला क्वेश्चन तुमसे बोल रहा है विच ऑफ द पार्ट एसोसिएटेड विद इमोशन, ठीक है। तो दे मैं एक्चुअली मैं मेरा ये समझाने का मेन मोटिव ये इसलिए था, बहुत सारी गर्ल्स, ठीक है, बहुत सारी गर्ल्स फील करती है ये, काश हमें लड़का पैदा किया होता। बेटा लड़का पैदा किया होता, जो गिफ्ट तुम्हें नेचर ने दिया है ना, उससे बढ़िया कोई गिफ्ट नहीं है। लड़की होना अपने आप में बहुत बड़ा गिफ्ट है नेचर का, ठीक है। सोसाइटी की बात को छोड़ दो, सोसाइटी तो बेवकूफ बतौरे से बड़ी पड़ी है, ठीक है। मैंने कईयों वाली सारी लड़कियों को मतलब सुनते बोलते हुए देखा है, तुम्हें क्या पता लड़की का दर्द क्या होता। अबे बहुत बड़ा गिफ्ट है लड़की होना, ये दर्द नहीं है, समझो इस बात को। लड़की होना गिफ्ट है, ये एक प्रकृति का बहुत खूबसूरत तोहफा है, ये दर्द नहीं है। दर्द तो असली लड़कियों को मिल जाता है कि सज गई गली मेरी अम्मा सुनहरे कोटे में, सुनहरे कोटे में। अब ये क्या करे भाई, क्या करे, कौन सा इंजेक्शन है जो इसे ठीक कर सकता है, कौन सी दवाई आई जो इसे ठीक कर सकता है, और इसको कैसे ठीक कर दोगे बताओ, बता सकती हो तुम? तो क्यों बोलती रहती हो? नाव टंकी हो रही नहीं, 10 टंकी है चाहिए का, आपको क्या पता सर। देखो फिर एक बोल के गई, आपको क्या पता सर लड़की होने का दुख क्या होता है। अरे तुम्हें क्या पता लड़के होने का दुख क्या होता है। चलो आंसर दो, चलो आंसर दो इसका 522 का, विद इमोशन को कौन कंट्रोल करता है। आखिरी का क्वेश्चन है तुम्हारा, चलो क्वेश्चन देखो 522 समझते हैं, इसको थोड़ा प्रैक्टिकली समझते सर। आप पढ़ाने क्या बोला सर, आप पैसे कमाओ पढ़ाने के लिए, क्या बोल रही है ये, कौन है? चलो अब ये मेरे को बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड, ठीक है, कितने लोग तुम में से शादीशुदा है ये बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर मैरिड, कितने लोग तुम में से शादीशुदा हैं? सर बहुत कुछ मन में रह जाता है लड़कियों के, कह ना पाती हैं किसी से भी। आई शैलजा शर्मा, ये तो फालतू की बातें हैं कि बहुत सा मन में रह जाता है। जब लड़की आती है ना सुनाने पे, फिर वो ये ना देखते कि कौन खड़ा कौन नहीं खड़ा, लड़के तो 10 बार सोच भी जाते, छोड़ो यार। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल ऑफ दोज हु आर मैरिड, ठीक है। तो देखो बेटा, जब आपकी शादी होने वाली थी, ठीक है, जब आपकी शादी की बात चल रही थी, अभी अपन सपोज कर लेते वो दिन शादी की बात चल रही है, तो जब तुम्हें तुम्हारा प्रोडक्ट देखने आया था, जो प्रोडक्ट तुम्हें देखने आया था, उस प्रोडक्ट को देख के तुम्हें कुछ होने लगा था, खुशी सी होने लगी थी, ठीक है। वो जो बोलते हो मन में घंटियां बजने लगती है, वो सितार के तार छिड़ने लगते हैं, हवाएं चलने लगती है, ठीक है, ये होने लगता है। वो सब आपका था किससे, हाइपोथैलेमस की वजह से, ठीक है। तो जो प्रोडक्ट देखते ही तुम्हें खुशी होती है, और जो जितने लोग आपका कमिटेड है या फिर रिलेशनशिप में, जैसे ही इनको मतलब इनका प्रोडक्ट मिलने आता है, इनके चेहरे पे अलग सी खुशी आ जाती है, ऐसे पूरे दिन मुंह बनाकर बैठे हो जैसे इनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो उस टाइम पे वो जो ड्यूरेशन था, उस टाइम पे कभी तुम में हैप्पी मतलब सैड मोड में नहीं आते थे, मतलब सैड मोड आए भी और प्रोडक्ट का फोन आ जाए, मैसेज आ जाए, ठीक
ठीक है, तो वो जो खुशी आ रही थी वो किसकी वजह से आ रही थी? हाइपोथैलेमस की वजह से आ रही थी। अब ये तो उनकी कहानियां है जिनका सबके साथ प्रोडक्ट के साथ सब कुछ सही चल रहा है, बट बहुत सारे लोगों का प्रोडक्ट फॉल्टी निकलता है या फिर प्रोडक्ट रिजेक्ट मार देता है, ठीक है, तो बैठ लेके बैठ जाते हैं ला 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 ला, तू प्यार है किसी और का, तुझे चाहता कोई और है, तो भी आपका हाइपोथैलेमस ही काम कर रहा है, रोने वोने पे आपके जो एसोसिएटेड है, ठीक है, वो भी आपका हाइपोथैलेमस ही काम कर रहा है। इवन कई बार क्या होता है सुसाइडल फीलिंग्स आ जाती है, तो वो भी आपका हाइपोथैलेमस ही काम कर रहा है। तो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, बट सारे इमोशन नहीं कंट्रोल करता, 80% इमोशन, मैक्सिमम इमोशन इज कंट्रोल बाय हाइपोथैलेमस। क्लियर है? तो ये थी आपकी आज की क्लास, ठीक है, सभी को सुनाई चाहते की तरफ से होले के सप्ताह में। हाँ, डांस भी हो जाए, भांगड़ा भी आ जाए, क्या बोल रहे हो बेटे, मौज कर दी, हैवी ड्राइवर हो। सर ऐसा फिल्मों में होता है, नहीं ऐसा रियलिटी में भी होता है। मैरिड लोगों से पूछना, अपन लोग तुम अनमैरिड है ना, अभी इसलिए अभी अपन को पता नहीं। चलिए तो फिर अच्छे से होली बनाइएगा, मिलेंगे आप 30 तारीख को, ठीक है, तो 30 को मिलेंगे, ठीक है, क्लियर। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है, लाइक करना ना भूले, शेयर करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, ठीक है। मेरी क्लास होती है रोज शाम को 5 बजे, ठीक है, तो मिलेंगे शाम को 5 बजे क्लास में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर। ऐप वाले स्टूडेंट्स अभी ऐप पे आ जाए, 6:30 बजे लाइव इवेंट है उनका, ठीक है, तो मिलते हैं ऐप पे। तो टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय, गुड डे, टेक केयर, थैंक यू।